गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ ऑफ मे के करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आप जानते हैं कि आप में से काफी सारे लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पर तो ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे ही। साथ में अगर आप स्टेट सर्विस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर से कंसर्निंग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वहां पर भी इनसे आपको हेल्प मिल सकती है। वेरियस जो टेस्ट सीरीज है उसके लिंक नीचे दिए गए हैं, उसमें फ्री मॉक टेस्ट जो है उसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग या स्टेट रैंकिंग देखने के लिए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो ये एमसीक्यूज हैं, आप नेटमॉक की एप्लीकेशन पर भी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इस मार्किंग स्कीम को जानते हैं और इसको स्किप करके वो क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी जो एमसीक्यूज की पूरी मार्किंग स्कीम रहती है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप 8 से 10 एमसीक्यूज को करेक्ट कर पाते हैं तो उसे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज को करेक्ट करने की जो परफॉर्मेंस होती है उसको गुड माना जाता है। ये आपका सेफ जोन होता है, बिकॉज यहाँ पर आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे होते हैं, विच इज इनफ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए काफी है। तीसरा जो ब्रैकेट है 40 to 55% का ब्रैकेट होता है। यहाँ पे अनसर्टिनिटी बनी रहती है कि आपके जो एग्जाम है वो क्रैक होगा या नहीं होगा, इसी वजह से आप लोग वेट करते हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट आने का, और जो मेंस की प्रिपरेशन है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। लेस इन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस काफी कम होते हैं एग्जाम को क्रैक होने के, इसी वजह से नीचे के जो ये दो ब्रैकेट है इसे डेंजर जोन कहा जाता है। आपको करना क्या है, आपको अपर टू ब्रैकेट्स में फॉल करना है, नीचे के ब्रैकेट्स में कोशिश करिए मत आने की। नीचे के ब्रैकेट्स में भी अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्क्स आ रहे हैं तो इंप्रूवमेंट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले 10 जो एमसीक्यूज है उसको आप सॉल्व करिए। पहला एमसीक्यू जो है वो वॉलंटरी रिटेंशन राउट स्कीम के बारे में है, VRRS या VRS कह सकते हैं इसे। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स टू अट्रैक्ट FPIs, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन टू डेट मार्केट। तो FPIs की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए डेट मार्केट के अंदर ये स्कीम चलाई गई है। There will be a lock-in period of 3 years. इसके अंदर जो lock-in period होगा वो 3 साल का होगा। Investment through the route will face less regulatory norms applicable to FPI investment in debt market. इसके अंदर ये जो particular scheme है, जो regulatory norms होंगी वो कम होगी किसके comparison में, जैसे debt markets में FPI investment को आना होता है वहाँ पर। सोचिए क्या आंसर होगा इसके अंदर। चलिए देखिए, ये VRR जो स्कीम चलाई गई है इसमें मिनिमम रिटेंशन पीरियड 3 साल का रखा गया, बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर आप जो करंट अफेयर्स MCQs उसको रेगुलर बेसिस पे अगर डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपने ये देखा ही होगा पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कशन किया था, खासतौर पर अप्रैल के अंदर, कि जो FPIs है, दैट इज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसको हॉट मनी भी कहा जाता है, इनका काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल हुआ है। कहाँ से? हमारी स्टॉक एक्सचेंज से, हमारी शेयर मार्केट के अंदर से। इसी वजह से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में देखी गई है। RBI however काफ़ी सारा पैसा जो था वो डाल रहा था, लेकिन फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसको हॉट मनी कहा जाता है वो अपने पैसे को काफ़ी जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, और इसी वजह से मार्केट काफ़ी नीचे जा रही थी। फिर हमारी जो यहाँ की कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से वो पैसा मार्केट में डाल रहे थे, फिर मार्केट ऊपर जाती थी, FPIs रिमूव करते थे पैसे को अपने, वो नीचे जाती थी, और हमारी जो एजेंसी थी वो पैसा लगाती थी तो मार्केट ऊपर जाती थी। तो हमने ये देखा कि FPI क्योंकि हॉट मनी इसे कहा जाता है, तो इससे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी नहीं रहती है मार्केट के अंदर। तो इनके पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए हमने एक नई स्कीम हम लेके आए, दैट इज वॉलेंट्री रिटेंशन राउट स्कीम। इसमें क्या किया, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पैसे को जल्दी से, कुछ भी चीज़ होती है, चाहे वॉर हो, कोविड हो, कुछ भी हो, छोटी सी भी चीज़ होती है अपने पैसे को निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसी वजह से हमने क्या कहा कि इनको एक लॉक इन पीरियड में डालते हैं, 3 साल का एक लॉक इन पीरियड हमने दिया कि 3 साल तक आप अपने पैसे को नहीं मूव कर पाएंगे। ये एक नई स्कीम हम लेके हैं FPIs के लिए डेट मार्केट के अंदर, ताकि इनके पैसे को रिटेन करके रखा जाए। तो पहली जो 2 स्टेटमेंट थी वो तो हो गई ठीक। इसमें होगा क्या, 3 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर उनको मिनिमम 75% जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो कि किसी ने 100 करोड़ लगाया तो 75 करोड़ को वो मूव नहीं कर पाएगा, चाहे तो 25 करोड़ को वो मूव कर ले, ये हम लेके आए। इसमें होगा क्या, FPI फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो किसी भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होंगे वो एलिजिबल होंगे वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट थ्रू द राउट ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स के थ्रू वो इस स्कीम में पैसा लगाने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और दिस स्कीम विल बी फ्री फ्रॉम द रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो यहाँ पे रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट पार्शियल करेक्ट थी, पार्शियली रॉन्ग थी, इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है दिस पर्टिकुलर स्कीम विल बी फ्री फ्रॉम देम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। सिंपल सा लॉजिक था हमारे यहाँ पे स्कीम क्यों लेके आए, क्योंकि FPIs की मनी हमें चाहिए। FPI की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कुछ भी प्रॉब्लम होती है एकदम से अपने पैसे को हमारे मार्केट से निकाल लेते हैं, हमारी मार्केट काफ़ी नीचे चली जाती है, हम ये नहीं चाहते हैं। इसी वजह से उनके पैसे को रिटेन करने के लिए हम एक ऐसी स्कीम लेके आए ताकि वो 3 साल से पहले अपने पैसे को ना निकाल पाए। ठीक है,
अब आप इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक को देख सकते हैं जो कि न्यूज़पेपर में दिया था। राउट डाइवर्जन के बारे में बात करी गई है। लेस देन 10% स्टेक इन अ कंपनी इज नाउ कंसिडर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कई बार एफटीआई और एफपीआई में डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इन्फोग्राफिक जो आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि एफपीआई एफडीआई को लेकर ही है। पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है एफपीआई इज मोर लिक्विड, एफपीआई जो है वो मोर लिक्विड होता है, हो सकता है। एफडीआई इज लेस रिस्की, एफडीआई जो होता है वो लेस रिस्की होता है, ये भी हो सकता है। एफडीआई लेट्स एन इन्वेस्टर परचेज अ डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री, एफडीआई जो है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्या करता है वो अपने इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली ही किसी बिजनेस को परचेज करने की फॉरेन कंट्री के अंदर यहाँ पर अलाउ करता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट एफपीआई और एफडीआई के बारे में करेक्ट है, सोचिए। चलिए देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मोर लिक्विड। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की जो हमने एक्सप्लेनेशन देखी उसको अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी लिक्विड होता है। लिक्विड यहाँ पे जो मतलब है लिक्विड का वो ये है कि इसे ईजिली जो है वो मूव किया जा सकता है, मतलब कैश में कन्वर्ट करके। क्योंकि क्या होता है, जो एफपीआईज होते हैं उन्होंने आपकी मार्केट के अंदर पैसा लगाया, मान लो कि सेंसेक्स के अंदर पैसा लगाया है एफपीआई ने, ठीक है, आज उन्होंने 100 करोड़ लगाया हुआ है, ठीक है, कोविड की न्यूज़ आई, उनका पैसा 100 करोड़ से 90 करोड़ हो गया, वो चाहे तो आज ही इस पैसे को निकाल सकते हैं। उनको ऐसा नहीं कि कोई एसेट उनके पास है, उनको एसेट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा जिसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा या फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे आपको पता ही होगा अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं कि आप चाहें तो किसी भी दिन जो शेयर्स होते हैं उनको परचेज कर सकते हैं, द वेरी सेम डे आप उसको सेल कर सकते हैं और आपका जो पैसा होता है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो सेम कुछ सिमिलर प्रोसीजर जो होता है वो ये फॉलो करते हैं। तो एफपीआई मोर लिक्विड होता है, मतलब जिस दिन भी वो चाहें तो अपनी जो यहाँ पे एसेट्स होती हैं, इक्विटीज़ होती हैं, उनको सेल करके अपने पैसे को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो एफपीआई इज मोर लिक्विड का ये मतलब था और ये बिल्कुल ठीक है। एफडीआई इज लेस रिस्की, एफडीआई जो होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लेस रिस्की होता है। देखिए अगर आप ध्यान दें, जब एफपीआई होता है इसका जो पैसा होता है ये मोर लिक्विड होता है, चाहे तो वो आज इन्वेस्ट करे और आज ही अपने पैसे को निकाल ले। लेकिन एफडीआई जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, आज पैसा लगाया तो ऐसा नहीं कि वो आज ही अपने पैसे को निकाल लेंगे, मतलब ये लंबे टाइम तक के लिए अपने पैसे को लगा रहे हैं। और अगर मान लीजिए इन्होंने 100 करोड़ रुपये लगाया और फिर कोविड की न्यूज़ आ गई, इनको इस 100 करोड़ की एसेट को डिस्पोज ऑफ करने में टाइम लगेगा जो कि एफपीआई को नहीं लगेगा। तो इसी वजह से एफडीआई जो होती है लेस रिस्की नहीं होती है, मोर रिस्की होती है, क्योंकि इनका पैसा अगर एक जगह फंस गया उसको निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन एफपीआई जो होता है वो इमीडिएटली एक्शन लेता है, चाहे तो आज ही पैसे को निकाल कर अपने साथ ले जा सकते हैं। एफपीआई जो होता है वो लेस रिस्की होता है और एफडीआई जो होता है वो मोर रिस्की होता है। और रीजन भी यही है, क्योंकि एफपीआई लिक्विड ज़्यादा होता है इसलिए वो लेस रिस्की होता है, क्योंकि एफडीआई लेस लिक्विड होता है इसी वजह से वो मोर रिस्की होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है एफडीआई लेट्स एन इन्वेस्टर परचेज अ डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एफडीआई से आप फॉरेन जो कंट्री होती है उसके अंदर किसी बिजनेस में कोई भी अपना इंटरेस्ट परचेज करना चाहते हैं, कोई भी हिस्सा उसमें परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज यूजली रिवाइज्ड फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वंस ईयर, वंस एवरी। तो कितने साल में जो MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसका जो हम MSP है उसको कितने टाइम में रिवाइज करते हैं, क्या 3 साल में करते हैं यूजुअली, 5 साल में करते हैं, 7 साल में करते हैं या 10 साल में करते हैं, सोचिए। चलिए देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने MSP रिवाइज करने की बात करी, किसके लिए, MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। यूजुअली इसे 3 साल में किया जाता है, 3 ईयर्स ये किसका यूजुअल टाइम है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। बट इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आया है वो ये कह रहा है कि इसको 3 साल से काफ़ी पहले ही हम रिवाइज कर रहे हैं। MSP फॉर MFP इज रिवाइज वंस एवरी 3 ईयर्स। कौन करता है, प्राइजिंग सेल एक होता है, प्राइजिंग सेल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर बनाया जाता है, और ये इस जो पूरा का पूरा प्राइस होता है MSP उसको रिवाइज करता है। 3 साल में एक बार किया जाता है, बट इस बार क्योंकि जल्दी किया जा रहा है इसी वजह से ये न्यूज़ में था और हमने इस पर क्वेश्चन बनाया। ये आप MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। अभी एक ऐसा स्टेट है जिसने 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च करी है। एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करने का रीजन भी आपको पता है, कोविड-19 की वजह से जो खासतौर पे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके पास काम नहीं है, और काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है। तो इस वजह से ये जो स्कीम्स हैं ये स्टार्ट करी गई हैं। पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना BHGY, नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना NPJSY, एंड वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम।
तो वी एस पी एच के वी एस, सो टू क्रिएट वेज एम्प्लॉयमेंट, ताकि उनको वेजेस मिल सके, किसको? वर्कर्स को, रूरल एरियाज में। आपको बताना है किस स्टेट ने ये स्टार्ट किया है, क्या महाराष्ट्र ने किया है, झारखंड, यूपी या बिहार? सोचिए। चलिए देखिए, यहां से आपको समझ में आना चाहिए, हम बिरसा की बात करें तो बिरसा मुंडा जी की बात कर रहे होंगे, तो यहां पे जो डेफिनेटली हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, झारखंड। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी कहां से आते थे? झारखंड से। दीज थ्री स्कीम्स जो है, ये बेसिकली जो एम जी नरेगा चलता है हमारा, उसके साथ कन्वर्ज करेगी। वहां पर भी हम रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देते हैं 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों को। ठीक है, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम होती है, उससे कुछ मिलती जुलती स्कीम यहाँ पे स्टेट ने स्टार्ट करी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कॉपरेटिव बैंक? कॉपरेटिव बैंक्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, वन बाय वन रीड करेंगे और देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन सही पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। पहली स्टेटमेंट कहती है, कॉपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट्स कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो हमारे यहाँ पे भारत के अंदर जो भी कॉपरेटिव बैंक है वो इस पर्टिकुलर एक्ट, जिसका नाम है स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इसके अंदर रजिस्टर है, हो सकता है। द कॉपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय बोथ रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज एंड आरबीआई। अब कौन रेगुलेट करते हैं कॉपरेटिव बैंक्स को? क्वेश्चन का कहना यह है कि रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज आरबीआई के साथ मिलकर इसको रेगुलेट करता है, ये भी हो सकता है। दे आर गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें रेगुलेशन किसके थ्रू किया जाता है, गवर्न किसके थ्रू किया जाता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। देखिए, गवर्न का एक अलग एक्ट है, रजिस्ट्रेशन का अलग है, हो सकता है करेक्ट दी हूँ, हो सकता है एक दूसरे से मैंने उलट दी हूँ, तो सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, न्यूज में ना अभी एक कॉपरेटिव बैंक था जिसका नाम है सीकेपी, महाराष्ट्र का ये कॉपरेटिव बैंक है। ये न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि सीकेपी ऑपरेटिव बैंक जो था, कॉपरेटिव बैंक जो था, ये अपने लोगों को जो उनका डिपॉजिट अमाउंट था वो नहीं पे कर पा रहा था, इस वजह से यहाँ पे आरबीआई ने इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज जो थी वो मैंने आपको नाम बता दिया। अगर कोई बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम यूपीएससी पीसीएस के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि कॉपरेटिव बैंक का स्टेटस क्या है, हमारे यहाँ पे किसके अंदर रजिस्टर होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होता है, बिल्कुल सही है। और इसको गवर्न करने के लिए जो एक्ट होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो हो गई आपकी, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज इसको रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे आरबीआई जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहां पर ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहा है और पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट यहां पे दी गई हैं कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट, आईआईजी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। देखिए, साइंटिस्ट एट आईआईजी उन्होंने एक चीज़ डेवलप करी है जिसको वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड कहते हैं, किस चीज़ के लिए वो भी बताऊंगा, बट पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म दैट इज आईआईजी इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। द कैंपस इज लोकेटेड इन गुजरात, इसका जो कैंपस है गुजरात में लोकेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कवरी हुई है और इसका आंसर कौन सा करेक्ट है वो भी देखेंगे। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म जो है इसने क्या डेवलप किया, इसने डेवलप किया है वन डायमेंशनल फ्लूड सिमुलेशन कोड, जो कि क्या करेगा, जो कि स्टडी करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर जो कि नियर अर्थ प्लाज्मा एनवायरमेंट या फिर अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर है, उस मान लीजिए कि अर्थ ये है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसको स्टडी करने के लिए वन डायमेंशनल फ्लूड सिमुलेशन कोड जो है उसको बनाया गया, ताकि इस एरिया को स्टडी किया जा सके। किसने बनाया, आईआईजी ने बनाया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई ठीक। अब बात करते हैं इसके कैंपस की, इसका जो कैंपस है वो महाराष्ट्र में लोकेट करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में किस जगह पे लोकेट करता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं आज के 7th क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ नाम समिट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट समिट जो है, आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट नाम के बारे में। पहली कहती है द समिट वॉज ऑर्गेनाइज ऑनलाइन, इस बार जो समिट करी गई है वो ऑनलाइन करी गई है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन नाम समिट सिंस ही अज्यूम द ऑफिस इन 2014। तो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो समिट है इसको पहली बार अटेंड किया है, हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू स्किप द नाम समिट। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो यहाँ के हमारे भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नाम समिट को स्किप किया, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोविड की वजह से जो समिट होगी ऑनलाइन ही करी गई होगी, लेकिन ऑप्शन ए आप देख रहे हैं सभी में दिया गया, तो ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार क्या ये समिट अटेंड करी है, यस 2014 के बाद पहली बार ये जो समिट है ये अटेंड करी गई है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस में वो आए हैं तब से पहली बार उन्होंने ये समिट को अटेंड किया। क्या वो पहले ऐसे या दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पे आंसर है सेकंड नहीं है, वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने बीच में इन समिट को स्किप किया था। 2016 के अंदर उन्होंने इस समिट को स्किप किया था और 2019 के अंदर भी नाम समिट को स्किप किया गया था। 2020 में डेफिनेटली 19 के बाद 20 में क्यों करी गई होगी, क्योंकि कोविड के कंसर्निंग कुछ बातें जो हैं इस समिट में उठाई गई हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, क्योंकि यहाँ पे जो समिट है वो ऑनलाइन करी गई है और नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है इसमें फर्स्ट टाइम, और 16 और 19 की जो समिट थी उसको स्किप किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी नाम के बारे में, नॉन अलाइन मूवमेंट समिट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, नाम के बारे में। पहली कहती है नाम डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट सेक्रेटेरिएट। नाम का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, हो सकता है। द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एनुमरेटेड इन हवाना डिक्लेरेशन ऑफ 1979। तो हवाना डिक्लेरेशन 1989 की जो हुई थी उसके अंदर जो पूरा ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो बताया गया था, ये भी हो सकता है। सोचिए, चलिए देखिए, कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, बिल्कुल बात सही है, और हवाना डिक्लेरेशन के अंदर भी ऑब्जेक्टिव और पर्पस जो थे वो बताए गए थे, ये भी ठीक है। कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है नॉन अलाइन मूवमेंट का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको काफ़ी 6-7 फैक्ट्स जो है वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिए, तो नाम के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और हवाना डिक्लेरेशन के ऊपर मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक वन लाइनर जरूर बता दीजिएगा कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, हवाना डिक्लेरेशन 1979 के बारे में, आपको याद रहेगा फिर हमेशा। आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, वन बाय वन रीड करेंगे, फिर इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि हम पीएमआई को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है पीएमआई अबव 50 रिप्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्शन व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, पीएमआई अंडर 50 रिप्रेजेंट एन एक्सपेंशन। अगर पीएमआई 50 से ज़्यादा होता है तो ऐसा लगता है कि इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आपके यहाँ पे जो प्रीवियस मंथ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जैसे संकेत हमें मिलते हैं। और अगर पीएमआई अंडर 50 रहता है, मतलब 50 से कम रहता है, तो ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। द पीएमआई इज यूजली रिलीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में पीएमआई जो होता है उसको रिलीज किया जाता है उसके डेटा को। थर्ड, इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंड देन कंपोजिट इंडेक्स इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। क्या होता है कि जो पीएमआई होता है ये गुड्स का भी निकाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का निकाला जाता है, और सर्विस सेक्टर का भी निकाला जाता है, और एक कंबाइंड कंपोजिट इंडेक्स जो होता है उसको भी निकाला जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, पीएमआई के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो महीना होता है उसके अंत में नहीं, महीने की शुरुआत में ही निकाला जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और पहली स्टेटमेंट की बात करें, 50 से अगर नीचे रहता है तो उसको हम कहते हैं, देखिए लेस देन 50 रहता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और मोर देन 50 रहता है उसको कहते हैं हम एक्सपेंशन, ये इंडिकेशन होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बात आती है इंडेक्स की, तो क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनाया जाता है, जी हाँ इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी बनाया जाता है, सर्विस सेक्टर का भी बनाया जाता है, और कंपोजिट भी बनाया जाता है। तो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। हुआ क्या है, न्यूज़ के ऊपर थी, क्योंकि रिसेंटली IHS मार्केट है, एक IHS मार्केट इंडिया, इसने एक मंथली सर्वे किया और देखा है कि PMI जो है ना अप्रैल के महीने में, मैंने आपको बताया था कि हॉट मनी किसके बारे में,
मैंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में बताया था कि काफ़ी पैसा उन्होंने अप्रैल में निकाला है, अप्रैल में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ी हैं। सिमिलरली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है उसको भी यहाँ पे गिरावट का सामना करना पड़ा और 51.8 हुआ करता था वो, और गिर के कितना हो गया अप्रैल में 27.4%। देखिए 51.8 क्या दिखाता है, 50 से ज़्यादा है, तो ये दिखा रहा था कि यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन 27.4 क्या दिखाता है, लेस देन 50, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिला है। एक जो इन्फोग्राफिक न्यूज़पेपर में दिया हुआ था वो भी देख लीजिए, तो यहाँ पे इंडिया का दिखा रहे हैं कि मार्च के महीने में हम 51.8 थे, मतलब एक्सपेंशन चल रहा था हमारे यहाँ पर, और अप्रैल के महीने में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बाकी कंट्रीज़ ने जैसे यहाँ पे यूएस ने भी कॉन्ट्रैक्शन देखा है और यूरो जोन के अंदर भी ये देखा गया है। जापान और जो साउथ कोरिया है वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुए कोविड की वजह से, नेवरदलेस कॉन्ट्रैक्शन तो वहाँ पर भी देखा गया है। इंडोनेशिया का भी जो हाल है वो कुछ कुछ इंडिया जैसा है, तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो दिखाता है। चलते मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट आईआईपी के बारे में, तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली, इसे मंथली पब्लिश किया जाता है और कंपाइल किया जाता है किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा, एन जो कि मॉस्पी के अंदर आता है, हो सकता है। देन द एट कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 40.27 ऑफ द वेट, तो इसमें जो एट कोर इंडस्ट्रीज होती हैं उसका जो वेट होता है वो 40% के आसपास होता है, हो सकता है। बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 2004-05 टू 11-12 फ्रॉम अप्रैल 2017। पहले क्या होता था, पहले बेस ईयर 2004-05 होता था और इसे 2017 से बदल के हमने 2011-12 कर दिया, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आईपी के ऊपर हम पहले कुछ क्वेश्चंस जो है अप्रैल और मार्च के महीने में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बार बार वहाँ बताया था एट कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है और मैंने वहाँ पे वेटेज के बारे में भी बताया था, तो वेटेज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दी गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। एट कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, सबसे कम वेट किसका होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि किस इंडस्ट्री का कितना वेट होता है। एट कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। बेस ईयर के बारे में जो बात करी गई है वो भी सही है कि हम 2004 और 5 जो था वो बेस ईयर लेते थे, लेकिन 2017 से हमने जो बेस ईयर था वो इसका बदल दिया और 2011-12 हम यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम आते हैं कि इसे लेके कौन आता है। देखिए मंथली पब्लिश किया जाता है और इसको नेशनल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन जो मॉस्पी के अंडर आती है वो इसे कंपाइल और पब्लिश करती है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं, विद इन 2 मिनट्स हम इसे रिवाइज करेंगे सभी क्वेश्चंस को, और इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। चलिए तो सबसे पहले हमने एफपीआई को अच्छे से डिस्कस किया था। अब नई स्कीम इनके लिए लेके आ रहे हैं वीआरआर स्कीम, जिसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा और एफपीआई जो डेट मार्केट्स में विदाउट एनी रेगुलेशन यहाँ पे पैसा अपना लगा पाएंगे। डिस्कशन किया था एफपीआई और एफडीआई के बारे में, इसमें हमने देखा था कि लिक्विड कौन सी होती है और लेस लिक्विड कौन सी होती है। तो एफपीआई जो है वो मोर लिक्विड होती है, साथ में मोर लिक्विड होने की वजह से वो लेस रिस्की भी होती है, और जो एफडीआई होती है वो अलाउ करती है कि बिजनेस इंटरेस्ट आप परचेज कर पाएं। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर जो प्राइसिंग सेल आपका होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है, वो 3 साल के अंदर पैसे को रिवाइज करता है, एमएसपी को रिवाइज करता है, लेकिन अभी जो है ये स्टेप जल्दी लिया गया है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि वेरियस जो स्कीम्स थी, बिरसा हरित ग्राम योजना थी, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना थी, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास स्कीम थी, इसको कौन लेके आए, इसको झारखंड के अंदर हम लेके आए, बेसिकली मनरेगा जैसी स्कीम है स्टेट लेवल के अंदर। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में देखा था, बैंकिंग रेगुलेशन 1949 ही गवर्न करता है इसको, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के बारे में बात हुई थी, इसमें जो कैंपस है वो महाराष्ट्र के अंदर है और जो ये है डीएसटी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। नाम समिट पे 2 क्वेश्चन हमने बनाए थे, इसमें जो समिट है ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करी गई है, पीएम जो है पहले पीएम है जिन्होंने 2016-19 में इसे नहीं लिया था और 2014 के बाद अभी वो फर्स्ट टाइम इसको जो है अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो हवाना डिक्लेरेशन है उसके अंदर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। वन लाइनर आप मुझे हवाना के बारे में बताइएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में था। लेस देन 50 होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मोर देन 50 होता है तो एक्सपेंशन होता है। इसमें बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ नहीं था, बाय द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ जो होता है ये डेटा जो है रिलीज किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। और रिसेंटली जो आईएसएस मार्केट इंडिया है उसने कहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हमने डेटा वेरियस कंट्रीज का कंपेयर किया था इन्फोग्राफिक के थ्रू। फिर इसके रिलेटेड ही इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था, वेरियस 8 कंट्रीज का जो वेटेज होता है वो 40 के आसपास होता है। एनएसओ मॉस्पी इसको जाके पब्लिश करता है और हमने बेस ईयर भी इसमें चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, और जो टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो फ्री मॉक टेस्ट है
उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी देखने के लिए। अगर आप यूपी की जो पीसीएस है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके कंसर्निंग भी जो फ्री टेस्ट है वो अवेलेबल है, उसको अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। जो मार्क्स है वो एक बार देख लेते हैं। अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट में मार्क्स हैं इवन देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, बिकॉज अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं और नोट्स बना के उसको रिवाइज कर रहे हैं और नोट्स नहीं भी बना रहे तो इसको मल्टीपल टाइम इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चांसेस यही रहते हैं कि आपके मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एनालाइज करेंगे अगर अपनी मिस्टेक्स को कि आप मार्क्स कहाँ पे लूज कर रहे हैं, कहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, तो डेफिनेटली उस एरिया में आप ज़्यादा ध्यान देंगे और आपके मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है इन एमसीक्यूज को बनाने का कि जो लोग यहाँ पे फॉल करते हैं वो धीरे धीरे ऊपर के ब्रैकेट्स में हैं और जो लोग ऊपर ही स्कोर कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएं यूपीएससी के एग्जाम तक। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप वेरियस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स को इवैल्यूएट करने के लिए। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं और यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। कुछ लोग कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं मिलते, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।